सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लास में। मैं हूँ राकेश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन वीडियोस के बारे में जहाँ पर बताया जाता है आपको एक जादुई नंबर जिससे आप किसी के भी WhatsApp को जो वो हैक कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर बताया जाता है कि इस नंबर को अपने डायल पर डायल कीजिए और किसी का भी WhatsApp जो है वो हैक कर लीजिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या वहाँ से सच में हम किसी के WhatsApp को हैक कर सकते हैं या फिर वो वीडियो जो है आपको उल्लू बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि वो WhatsApp जो है वो हैक किस तरीके से करते हैं वो वीडियोज़। तो कुछ वीडियोज़ जो है वो आपके WhatsApp वेब को मतलब अपने मोबाइल में शुरू करते हैं WhatsApp वेब और फिर आपके मोबाइल से जो WhatsApp है उसको स्कैन कर देते हैं अपने मोबाइल में। जो आपको तीन जो ऊपर वो बिंदु दिखते हैं उन तीन पॉइंट्स पर जब क्लिक किया जाता है तो वहाँ पर आता है WhatsApp वेब मीडिया या फिर वेब मीडिया आपको कोई भी दिख रहा होगा। वहाँ से एक कोड जो है स्कैनर आता है और फिर वहाँ से जो कोड आप दूसरे के मोबाइल में होता है उस कोड को स्कैन कराया जाता है तो उसका जो मोबाइल है वो उसके उसका जो WhatsApp है सॉरी वो उसके मोबाइल में चलने लग जाता है। तो एक तो ये होता है। तो अब हम जानते हैं कि WhatsApp वेब का ऑप्शन देता क्यों है WhatsApp। तो वो बेसिकली अपने लैपटॉप में आप वो WhatsApp वो चला सके इसलिए वो जो है ऑप्शन देता है। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या कहता है कि जिसका भी आपको WhatsApp हैक करना है उसका मोबाइल लीजिए और फिर *21* और फिर आपका मोबाइल नंबर डाल के हैश दबाकर जो है वो कॉल कर दीजिए। तो वहाँ पर आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली टू कॉल फॉरवर्डिंग, मतलब कॉल फॉरवर्ड जो है उसके मोबाइल में जो भी कॉल आएंगे वो आपके मोबाइल में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो इसलिए ऐसा क्यों करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब WhatsApp को मतलब नया अकाउंट खोलते हैं वहाँ पर तो आपको दिखाई देता है, एक तो एग्री और कंटिन्यू करेंगे आप, फिर मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP करेंगे तो वहाँ पर एक तो ऑप्शन आता है रीसेंड वाला और एक ऑप्शन आता है कॉल मी वाला। तो वो कहता है कि भाई कॉल मी कीजिए, तो कॉल मतलब उसके मोबाइल का कॉल आपके मोबाइल पर आ रहा है तो उसके मोबाइल का कॉल आपके मोबाइल पर आएगा और वहाँ से जो OTP होगा वो उसमें डाल देंगे तो फिर आपका जो WhatsApp है उसका हैक हो जाएगा। तो अब हम इसकी बात करें तो कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो मतलब होती है, ये एक जेन्युइन काम है। मतलब कॉल फॉरवर्डिंग को हम किस तरीके से अच्छी मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं वो एक बार आई कैप्शन में आप चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने बताया है कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो किस लिए होती है और वो किस तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं थोड़े समझदार वाले, मतलब कि क्या आपके मोबाइल में जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है वो आपको आपके मोबाइल को WhatsApp को जो हैक करना चाहता है और अगर आपके मोबाइल से उसने कॉल फॉरवर्डिंग अपने मोबाइल में करी है तो आपको क्या पता नहीं चलेगा। मतलब आपके ऊपर नोटिफिकेशन में वो जो एक ऑप्शन दिखे वो एक आइकन दिखेगा, उस आइकन पर आप अगर आप क्लिक करेंगे उस नोटिफिकेशन बार को नीचे लाकर उस आइकन को क्लिक करेंगे तो वो आइकन सीधा लेकर जाएगा आपको कॉल फॉरवर्डिंग पर कि भाई आपके जो कॉल है वो इस नंबर पर फॉरवर्ड हो रही है। तो आप उसे जाकर कूटोगे नहीं, मतलब वही हरकत है। अगर आप किसी के कॉल को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड करना चाहते हो तो वो आपको कूट देगा और अगर आपकी कॉल जो किसी ने फॉरवर्ड करी है तो आप कूट दोगे। अगर हम सीधी बात करें तो कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो कई बार आपके लिए रिस्की हो सकती है क्योंकि आप जब कॉल फॉरवर्डिंग कर रहे हो तो आपकी जो उसे अगले वाले को पता चल जाता है कि ये कॉल फॉरवर्ड हो रही है इस नंबर पर हो रही है तो आपको जो है उससे जो है अच्छी खासी मार जो है वो पड़ सकती है। अगर मार नहीं पड़ेगी तो फिर वो कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो बंद कर देगा तो आपका जो है वो पोपट बन जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में यही था कि क्या हम WhatsApp को हैक कर सकते हैं। तो मतलब मैंने बता दिया कि WhatsApp को हैक करना इतना आसान नहीं है और वो किस तरीके से करते हैं तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो के संबंधित कोई भी सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें बताइए कि जो कॉल फॉरवर्डिंग करके हम जो WhatsApp को हैक कर सकते हैं वो एक्चुअली होती कैसे है और फिर उसे जो है वो गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो अच्छी खासी जो है वो भरपाई करनी पड़ सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे वाला लाल बटन दबाइए, उसके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।